Hi, main hu Terence Lewis and this is India's best dancer. Subscribe to Set India channel and hit the bell icon for more performances. जो हरदम खुशियां अपने साथ लाता है वो है बचपन. बड़े होकर जो सबसे ज्यादा याद आता है वो है बचपन. याद आती है माँ की वो लोरी जिससे नींद की डोरी बंधी थी. चंदा है तू मेरा सूरज है तू. याद आता है वो बचपन की पहली जीत का जश्न. याद आती है वो बचपन की पिकनिक जो तब किसी वर्ल्ड टूर से कम नहीं थी. Welcome to Bachpan Special of India's Best Dancer. Dancers, आज से scoring शुरू हो रही है. इसका मतलब judges आपको अगले 3 हफ्तों तक scores करेंगे, जिसके बाद होगा हमारा अगला elimination. So all the best to all the dancers. चलिए फिर बढ़ते हैं हमारे पहले performer की तरफ. तो जजेस, आज कुछ अलग तरीके से हम हमारे परफॉर्मर्स को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं. ओके. तो हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे हमारे कंटेस्टेंट्स के बचपन की और आपको गैस करना है. मैं आपको कुछ हिंट्स भी दूंगा. ओके. देखते हैं कौन गैस कर पाता है. तो चले, रेडी आप? एब्सोल्युटली. ये कौन हो सकता है? जजेस, खुदा गवाह का ये बादशाह खान लगने वाला बच्चा असल में डांस का बादशाह है. बचपन में इनका फेवरेट खिलौना था लट्टू, इनका फेवरेट पटाखा था चक्री. ये इकलौता डांसर है जो बड़े होके स्टार नहीं बल्कि पंखा बनना चाहता था, यानी कि फैन. यहाँ तक कि इनकी फेवरेट मिठाई भी थी जलेबी. तो चलिए फिर बताइए कौन है.
शिवांशु। क्या बात है। सो इंडिया बचपन स्पेशल में प्रेजेंटिंग डांस का छप्पन बोल सतना मध्य प्रदेश से शिवांशु सोनी और इनके कोरियोग्राफर विवेक। तुम्हें याद है ये हमारा सबसे प्यारा दोस्त था। तुझे देख देख सोना। क्या बात है। तुझे देख देख सोना। तुझे देख कर है जगना। मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी। तुझ में बसी है मेरी जान। हाय जिया धड़क 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 जाए जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जाए। कुछ भी कहने के पहले आई वांट टू से कि आज का जो एक्ट था इट्स कॉल्ड अ ब्लैकआउट स्पेशल। यहाँ पे कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं किया गया है। लाइव जा रहा है ये तो सबको ये जानना जरूरी होगा कि कैसे हुआ वो टेडी बेयर कैसे हुआ वहाँ पे सब चीज़ें ब्लैकआउट में काले कपड़े पहन के काला मास्क पहन के फुल्ली ब्लैकआउट जो कैमरा को दिख नहीं सकता है उन पूरी टीम खड़ी है और वो जो मूविंग चीज़ें हैं जो हवा में उड़ रहे हैं उसको उड़ाने वाले भी कोई इंसान है वो दिख नहीं रहे हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग अगेन एन इल्यूजन। ये एक माया है। सो आई अप्रिशिएट कि एक लाइव शो में ऐसा एक परफॉर्मेंस दिखाना इज सुपर्ब विवेक। बट बचपन इज ऑल्सो अबाउट इमोशंस। इट्स अबाउट यू नो फीलिंग अरे यार याद थे वो क्या क्या माहौल था हम कैसे खेलते थे। तो वो इमोशनली चीज़ें सिर्फ वो चार चीज़ें चाहे वो पतंग हो चाहे वो यू नो स्कूटर हो वो दिखाने या उसको यू नो उड़ाकर मज़ा नहीं आता। इट्स अबाउट एक इंसान का कनेक्ट उस टेडी बेयर के साथ क्या है। सो इल्यूजन अच्छा था बट इमोशन कंप्लीट नहीं था। विवेक मुझे लगा कि अगर आप बचपन की चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो तो मे बी देयर कुड हैव बीन मोर एलिमेंट्स क्योंकि वो जो ब्लैंक स्पेसेस हैं वो मुझे थोड़ा सा खल गया। शिवांशु यू आर वेरी गुड। मेरी ग्रीवियंस आज सिर्फ विवेक से है एंड एज यूजुअल आपने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया ही। थैंक यू मैम। आई हैव नो कंप्लेंट्स अगेंस्ट यू। मुझे आज आप में ग्रोथ नजर आई बिकॉज आज की ये ग्रोथ एक रिस्क थी। जो आप लेसन इससे सीखोगे वो लेसन बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा इसीलिए ऑल द बेस्ट फॉर यू। थैंक यू थैंक यू। तो आपका टोटल होता है 25। जजेस दिल्ली भारत की राजधानी है जहां सरकारें बनती है
लेकिन इस बार सवाल ये है कि क्या इस बार नए दौर की नई आवाज यानी इंडियन आइडल दिल्ली से बनेगा या नहीं। दिल्ली वालों, अगर आपकी आवाज में है वो नए दौर की ताकत, तो आपकी आवाज के इंतजार में है पूरा भारत। कल दिल्ली में श्री वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल द्वारका में हो रहे हैं इंडियन आइडल के ऑडिशन। बाकी की जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है। देर मत कीजिए, क्या पता नए दौर की नई आवाज आप हो। जजेस, बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि अगर खुद पे भरोसा हो तो एक अकेला इंसान भी हर नामुमकिन चीज को मुमकिन बना सकता है, और इसी बात का एक परफेक्ट एग्जांपल है अपकमिंग मूवी अकेली, जिसकी लीड एक्ट्रेस आज अकेली आई है हम सबसे मिलने। तो जोरदार तालियों से वेलकम कीजिए उनका, जिनकी एक्टिंग का दर्जा दिन ब दिन होता जा रहा है ऊंचा, चार्मिंग नुशरत भरुचा। बहुत 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 स्वागत है आपका इंडियाज बेस्ट डांसर में। हाय एवरीवन, मैं डांस शोज को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, ये तो सब मेरे गानों से सबको पता ही है। आई एम अ क्रेजी डांसर, आई लव डांसिंग, एंड टू बी ऑन अ शो वेयर द टैलेंट इज मतलब मैं चाहूंगा कि कुछ बताइए हमें इस फिल्म के बारे में। तो ये कहानी एक लड़की की है जो अपने देश को छोड़ के विदेश जाती है एक जॉब के लिए, और वहाँ आइसिस अटैक हो जाता है, टेरर अटैक हो जाता है, एंड शी गेट्स स्टक, और वो वापस लड़ के झगड़ के आ पाती है इंडिया, अपने घर अपने देश या नहीं, कहानी इस पे है। थैंक यू सो मच, मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप वहाँ पर जाके बैठ जाए। डांडिया जजेस, हमारे अगले डांसर की फोटो पहचानने के लिए तैयार हैं आप लोग? जी। लकड़ी की काठी का ठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। आए मुझे पता है ये कौन है। जब ये पैदा हुआ था वार्ड में 25 और बच्चे पैदा हुए थे। हाँ। और इन्होंने अपनी मिल्क की बोतल उठाई और बोले, चलो यारो दूध की महफिल सजाते हैं। और तो और, चाहे कितनी भी ठंड हो जाए इनके घर में कोई डर से कंबल नहीं ओढ़ता, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ये हमारी कंबल कुटाई ना कर दे। तो जजेस बताइए कौन है ये। एक ही हो सकता है। सो इंडिया बचपन स्पेशल में प्रेजेंटिंग म्यूजिकलिटी है जिनकी ढाल, चंडीगढ़ पंजाब से विपुल खानपाल और इनके कोरियोग्राफर पंकज थापा। विपुल बेटा। हाँ पापा। आज का एग्जाम कैसा गया? अच्छा गया पापा। पता है ना, पिछली बार सेकेंड रैंक पे आए थे, इस बार फर्स्ट ही आना है। तो जाओ कल के एग्जाम के लिए पढ़ाई पे बैठो, खेल कूद मत करना, इस बार तुम्हें 99% ही लाना है। इस बार तुम्हें 99% लाना है। अभी जाके पढ़ाई को बैठना, पता है ना, खेल कूद साइंस की वजह से सेकंड रैंक में आया दोस्त, फर्स्ट ही डॉक्टर। इतना प्रेशर। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो।
कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला। बचपन तो गया जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो। बस करो हर बच्चे पर अपनी दबाव भरी जिंदगी, जी लेने दो हर बच्चे को अपनी मस्ती भरी जिंदगी। Fantastic guys, जोरदार तालियां हो जाए विपुल एंड पंकज के लिए। What a performance guys! विपुल, you are a shining star. और आप में एब्सोल्यूट विनर क्वालिटी है। जब भी आप इस मंच पर आते हैं, आप जो भी परफॉर्म करते हैं, यू मैनेज टू रीच आउट। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए। पंकज, आई लव्ड योर कोरियोग्राफी, आई टेल यू व्हाई। आप पूरे गाने में होते हुए भी मुझे आप नजर नहीं आए, मुझे विपुल नजर आया। एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। आप जो कहना चाहते थे, he expressed it so well. Sunshine, give me some rain. I really want to see you in the top three, Vipul. I think you deserve to be there. आपने ये जो पहलू है बचपन का, स्ट्रेस अबाउट स्कूल, होमवर्क, एग्जाम्स, टीचर्स, ये जो स्ट्रेस, यानी कि जो पंकज जो आपके कंधे पे चढ़ा हुआ था, वो इतना ब्यूटीफुली दिखाया है आपने। इस बार तुम्हें 99% लाना है। अभी जाके पढ़ाई को बैठना, पता है ना, खेल कूद साइंस की वजह से सेकंड रैंक में आया दोस्त, फर्स्ट ही डॉक्टर। ये कॉन्सेप्ट अमेजिंग था, और एज अ पेरेंट जिसका मेरा बेटा अभी यू नो इस स्टेज में ही है, और मुझे लगता है कि मैं ऐसी पेरेंट हूँ जो प्रेशर नहीं डालती हूँ, लेकिन फिर भी हमारी कंडीशनिंग ऐसी है सोसाइटी yes, की society. कि बिना समझे कई बार हम प्रेशर डालने लग जाते हैं, और एक एक स्टेज पे आके लगता है कि यार जो मैंने सोचा था मैं नहीं करूँगी एज अ पेरेंट, वही तो कर रही हूँ। चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन जितनी जल्दी बदलनी चाहिए उतनी जल्दी नहीं बदल रही हैं। तो मेरे लिए आपका ये जो एक्ट था वो कॉन्वर्जेशन था बदलाव के लिए। वेरी वेरी वेल डन। स्कोर देने से पहले आई वांट टू से थैंक यू पंकज, क्योंकि आपकी वजह से आज मैं थैंक यू अपने पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझ पे इस तरह का प्रेशर नहीं डाला। एक्चुअली हमारे हालात ऐसे थे कि उनके लिए बहुत दुखदायी था ये, क्योंकि मैंने पढ़ाई छोड़ दी। जिस चीज़ के लिए उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया, उस वक्त मुझे ऐसा वो प्रेशर फील हुआ कि उनके दिमाग में जद्दोजहद थी कि आप पढ़ाई कंप्लीट करें, लेकिन वो मैं कर नहीं पाई क्योंकि हमारे हालात इतने बुरे थे कि आई हैड टू वर्क। तो वो आई थिंक वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट डिसीजन फॉर माई मदर, एंड उन्हीं ने सबसे पहले कदम उठाया मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में डालने के लिए। सो माई डांसिंग ऑल दैट केम फ्रॉम हर अगेंस्ट ऑल ऑड्स। तो वो मुझे भरतनाट्यम के क्लासेस पे लेके जाती थी, वो मुझे फोक डांस क्लासेस पे लेके जाती थी, वो मुझे हॉर्स राइडिंग के लिए लेके जाती थी। शी मेड श्योर दैट उनको जब भी वक्त मिलता था उनके काम के बाद, और वो आधा एक घंटा जो भी आप वो मुझे दे सकती थी बिसाइड्स द स्टडिंग पार्ट ऑफ इट, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी में मैं बिताती थी। चलिए फिर बारी अब इस कोर्स की। ओके, तो आपका टोटल होता है 29। फैंटास्टिक। नुशरत, आपको कैसा लगा इनका परफॉर्मेंस? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आई मीन दिस स्कोर इज टोटली डिजर्विंग। एंड विपुल, आपको तो मैं जानती हूँ, हाँ, आपने मेरे साथ डांस किया है कुछ साल पहले। आप बताएंगे कहाँ किया था?
आई थिंक राजस्थान में शूट था. हमने सैया जी पे डांस किया है. ही वॉज इन आर ट्रूप. ही हैज टॉट मी ऑल्सो. ही इज बिन पार्ट ऑफ द होल ग्रुप. हमने हनी सर के साथ किया था. तो हम एक्चुअली उनकी टीम में है. यो यो बॉयज करके टीम है. तो मैं उसका पार्ट हूँ. तो हम उनके म्यूजिक वीडियोज कोरियोग्राफ करते रहते हैं. मजा आ जाएगा अगर साथ में एक परफॉर्मेंस हो जाए. क्या कहते हैं जजेस? एब्सोल्युटली. मैं भी हूँ तू भी है आमने सामने. दिल को बहका दिया इश्क के जाम ने. मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया. कल तक वो जो मेरे ख्यालों में थे रूबरू उनका आना गजब हो गया. मोहब्बत की पहली मुलाकात का असर देखो ना जाने कब हो गया. सुपर ब्रो, एकदम बहुत मजा आया. माय प्लेजर. ये मुलाकात याद रहेगी. एक मुलाकात में बात ही बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया. चलिए जजेस, अगले डांसर को पहचानने के लिए तैयार हैं आप तीनों? ये कौन हो सकता है? दो लोगों से, या तो समर्पण या तो हंसवी भी हो सकती है. क्लू दूं? हाँ. बचपन में इनके मोहल्ले में बच्चों को गुलेल से खेलने का शौक था. ओके. हाँ, वो गुलेल यही थी. चलो एक और दे देता हूँ क्लू. चलो और एक. ये दुनिया की इकलौती बच्ची है जो स्कूल बस में नहीं स्कूल बैग में जाती थी. देख पढ़ना. ये सो इंडिया बचपन स्पेशल में प्रेजेंटिंग अनबिलीवेबल मूव्स की सुनामी देव पर्णा गोस्वामी और इनके कोरियोग्राफर तरुण राज. जोरदार ताला हो जाए. पहले बता दूं कि मेरा बचपन का साथी तो इधर ही बैठा है. ये मेरा 5 मिनट का छोटा भाई है. मैं ट्विंस. 5 मिनट का? हाँ, ट्विंस. हाँ, हम लोग ट्विंस. अच्छा, उसका नाम तो बता दे देवपर्णा. उसका नाम है देवंजन गोस्वामी. देवांजन. देवांजन. और मैं उसको बोलती हूँ बाबू और वो मेरे को बोलते हैं मुनू. 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 वेलकम टू द शो बाबू. थैंक यू. बाबू, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? আমার এখানে এসে খুব ভালো লাগছে. আমার আমি ওর থেকে হাইটে বড়, আর ও আমার থেকে হাইটে ছোট বলে ও আমাকে খুব হিংসা করে. আমার তখন খুব মজা হয়। ওর জন্য আমি স্কুলে এখন খুব ফেমাস হয়ে গেছি, যেহেতু ও আমার ইন্ডিয়াস বেস্ট ড্যান্সারে পারফরমেন্স করছে. তার জন্য আমাকে, ওর জন্য আমাকে সবাই সেলিব্রিটি বলে. बाबू, क्या आप अपनी बहन के लिए प्राउड महसूस करते हो? कितना? कतटा कतटा तू प्राउड फील करिस? एतटा ना इटुकु ना एतटा कतटा? एतटा. एक बार जोरदार ताली हो जाए देवपर्णा एंड तरुण के लिए.
कहते हैं लोग दुनिया में अकेले आते हैं, लेकिन भगवान जी ने जिंदगी भर साथ निभाने के लिए एक हाथ भेजा। मैं अकेली ना रह जाऊं, इसीलिए मेरे जुड़वा भाई को मेरे साथ भेजा। साथ साथ सीखा हमने हंसना, खेलना और चलना। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। ये ग्लास किसने तोड़ा? मम्मी। आने दो आने दो, दिल ने आ जाने दो, कह दो मुस्कुरा को हाय 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 बाय बाय। अरे जल्दी चल, एग्जाम के लिए लेट हो जाएंगे। सब याद है ना? ऑल द बेस्ट। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबरा को बाय 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 बाय। बच्चों, योगा का वक्त हो गया है, देव पर ना। वेरी गुड। देखा, योगा से ही होगा और इस नालायक से कुछ ना होगा। अरे सैड मत हो, मैं तुझे सिखाऊंगी। कभी हाथ पकड़ के तू मेरा चल रहे। चल दे, मैं थोड़ी सी मूडी हूँ, तू थोड़ी सी टेढ़ी है, क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी। मेरा पहला दोस्त, मेरा पहला दुश्मन, पापा की डांट और मम्मी के प्यार का हिस्सेदार, मेरा सबसे बड़ा चीयरलीडर, मेरे बचपन का साथी, मेरा भाई। बड़ा ब्यूटीफुल। पापा, कैसा लगा आपको एक्ट? बहुत भावुक हो गए हैं। हैं सर, इमोशनल हो गया था और हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और बाबू और मुनु, मेरा प्यार का बच्चा, वो 18 साल हो गया, तो अभी से मेरा आँख में वो बचपन में ही है, ऐसा लग रहा है। आपका पहला साथी मतलब बचपन का आपका जुड़वा भाई है, वो नटखटपना, वो प्यार, वो थोड़ा एक दूसरे को टीज करना कहीं पे, ब्यूटिफुली डन। आज ट्रिक्स थे, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन जो इमोशन था ना आज का, वो मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट और ब्यूटिफुल था। भगवान जी ने जिंदगी भर साथ निभाने के लिए एक हाथ भेजा। मैं अकेली ना रह जाऊं, इसीलिए मेरे जुड़वा भाई को मेरे साथ भेजा। Technically, I would say this was such a flawless act because every lift and trick was done so smoothly. और लगा ही नहीं कब आपने उसको पकड़ा, उठाया और कब उस पोजीशन पे रख दिया। मैं थोड़ी सी मूडी हूँ, तू थोड़ी सी टेढ़ी है, क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी। I
just loved also the dancing section. Aapne contemporary ke bahut sare moves dale the. The floor work was interesting. So there's such a rich composition. It was a Jumeshwari act. Ek baat kehna reh gaya hai. Aap bhi kar lo mere saath. I think ye to tha tu. Penta, Pentabilistic, Fantasma, और भी magical भी ले लो। यार मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आपकी body में हड्डियाँ हैं या आप एक elastic rubber band हो जो घूमती फिरती उल्टी कैसे कर रहे हो आप वो? मेरा मुंह खुला रह गया मैंने कहा ये क्या था? सच में mind blowing है यार। Thank you so much. No, I think Jay, हम को देवपर्णा की फैमिली को स्टेज पे बुलाना चाहिए। Of course, please यहाँ पर मंच पर आ जाए। तो मैं पूछना चाहती हूँ देवपर्णा के पेरेंट्स से कि दोनों में से ज़्यादा किसने सताया आपको? परेशान तो देवपर्णा। ज़्यादा ना देवपर्णा। और वो तो छोटा वे चुपचाप था। वो जो भी करता वो उसका देख के भाग जाता था लेकिन ये बहुत परेशान अच्छा मेरे पापा ना क्या बोलूँ मैं ट्विन्स हूँ ठीक है तो हमारा जब स्कूल जाती थी एक बुक में मैं और भाई पढ़ाई करती थी हमारा जो बर्थडे था एक दिन में बर्थडे है केक एक है एक देवंजन देवपर्णा एक केक में यार देवपर्णा हमने एक सुना हुआ है हमेशा कि जुड़वा जो होते हैं वो एक दूसरे के फीलिंग्स फील कर सकते हैं तो कभी आप बीमार हुए हो और आपके भाई को वो फीलिंग हुआ है ऐसे कभी हुआ है क्या है दोनों का मालूम नहीं क्या है दोनों का वो मन एक ही होता है कुछ दिन पहले जो इंडिया बेस्ट डांसर में देवपर्णा का बुखार हुआ थी इधर देवंजन का भी बंगाल में उसका बुखार भी एक साथ हुआ था ओह रियली हाँ एक दिन ये मेरे को बताया जे बाबू के लिए बहुत मन अच्छा नहीं लगता है और इसके पहले दिन वो मेरे को रात में बोलता है पापा मुनु कैसे है मुनु के अच्छा नहीं लगता ये खेला है तो ऐसा ऐसा सभी एक एक दो होता है कनेक्शन मुन्नू और बाबू आपका जो कनेक्शन है वो इतना प्यारा है और आपने अपने डांस के थ्रू उसको दिखाया भी और देवपर्णा गॉड ब्लेस योर फैमिली और आपकी फैमिली को कभी नजर ना लगे थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आए जोरदार ताला हो जाए देवपर्णा के फैमिली के लिए थैंक यू तो क्योंकि आज हम बचपन स्पेशल सेलिब्रेट कर रहे हैं मैंने एक चीज नोट की है जो हमारा बचपन और ये नए जनरेशन का बचपन है उसमें एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि हम वेट करते थे कि कब हम घर से बाहर निकले और दोस्तों के साथ खिलौनों के साथ खेले Correct. चाहे वो क्रिकेट हो फुटबॉल हो और अभी के जनरेशन में मैंने एक चीज देखी है कि बस रुके रहते हैं कि कब मैं अपना फोन उठाऊं और वहां पर गेम्स खेलूं तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम थोड़े से पीछे चले जाए इनको भी वो मजे दिखाए कि यू नो जो साथ में दोस्तों के साथ खेलने में जो मजा आता है वो कैसा होता है कैसा होता है वो ऐसा होता है दिखाओ कि मैं दो टीम में हमारे कंटेस्टेंट्स को बांटूंगा okay. और हम उनके साथ रिले खेलेंगे nice. यानी कि एक साइकिल और उनको रिले करना है तो टीम ए में होंगे शिवांशु विपुल देवपर्णा एंड बुगी एंड टीम बी में होंगे शिवम अनिकेत आकाश एंड अंजलि आ जाइए तो चलिए फिर जब तक फिर वहां की लाइन को टच नहीं हो जाता साइकिल तब तक यू नो आप चेंज नहीं कर सकते ठीक है 3 2 1 गो गो राइट लेफ्ट कर शिवांशु राइट लेफ्ट इसको राइट लेफ्ट ऐसे ऐसे कर ऐसे 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 गुड जॉब आकाश शिवांशु अरे अरे जस्ट गो राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट एक सेकेंड वेरी गुड आकाश
ऐसे कोई धक्का नहीं मारेगा, अभी ये लास्ट है। कैसे? अरे दुल्हन बाहर गई शिवम। शिवम दुल्हन बाहर गई। एक तो यहाँ पर यू नो गेम्स खेलते वक्त इतने चीटिंग करते हैं, एक छोटी सी साइकिल नहीं चला पाए आप लोग, तो आपको इसका पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट से बॉयज को मिलेगा, तो गर्ल्स आप बैठ जाइए। हाँ हाँ, गर्ल्स बहुत ईमानदारी से फिर भी कोशिश कर रही थी। ये जितने भी बॉयज हैं उनको एक पनिशमेंट मिलेगी, और पनिशमेंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक सेकेंड, लेकर आइए पहले सामग्री, पकड़िए ये वाली, आप पकड़िए। अब आपको ये शॉर्ट्स पहनने हैं बिना हाथों का इस्तेमाल किए। अनिकेत नहीं पहन पाएगा। कैसे नहीं? वो तो नॉर्मली भी नहीं पहनता। ऑलराइट, सो 3, 2, 1 गो। या चल पहनो पहनो। हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। शिवम का पैंट डायपर लगेगा। कट, बस बस। अब पीछे हो जाइए, एकदम पीछे हो जाइए। फिर से म्यूजिक चलेगा, एक एक करके रैंप वॉक करना है और पूरा ऐसे प्रदर्शन करना है कि आपने क्या किया है। थोड़ा हार्ड सा होके, थोड़ा जेंटल सा होके, थोड़ा सेंटी सा होके, थोड़ा मेंटल सा होके, सारे That's not true. Fantastic guys, what a sport! Yeah, it was zordar taali ho jaye yaar. वेल, आगे बढ़ने से पहले मैं नुशरत आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आई, और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप चाहूँगा कि आप प्लीज स्टेज पर आ जाए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए नुशरत के लिए। नुशरत, ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड रियली थैंक यू फॉर कमिंग, एंड बहुत एक्साइटेड हूँ ये फिल्म देखने के। थैंक यू मैम, टेक केयर। थैंक यू सो मच। जजेस, हमारे अगले डांसर हैं ये। ये कौन हो सकता है? आपको कुछ हिंट्स दे देता हूं। हाँ, दीजिए ना। बचपन से इनको सिखाने का बड़ा शौक था कि जब ये स्कूल जाते थे तो क्लास के बच्चे टीचर को नहीं बल्कि इन्हें खड़े होके बोलते थे, गुड मॉर्निंग मास्टर जी। सर, 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 किससे किससे पूछूं? ओके, गीता मैम। सर, अक्षय। हाँ, अक्षय। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। सो इंडिया बचपन स्पेशल में प्रेजेंटिंग, जिसने जलाई है अपनी खोई हुई पहचान की नई मशाल, अक्षय पाल और उनके कोरियोग्राफर शुभ्रदेल पाल। अरे क्या यार, और कितने दिन लेके आएगा मुझे दूसरे रास्ते से उसे देखने के लिए? अरे ए, वो देख वो देख वो देख, आ गई वो। दिलकश थी वो शाम पहले पहल, जबकि तुमसे मिली थी नजर, ऐसा चक्कर आया कि अब ये न जानू के जाऊं तो जाऊं किधर। हुसाना तुम सामने थी एक पल, हुसाना अगले ही पल थी उजल। अब क्या बताऊं मैं, इस हाल में हूं मैं, यहाँ वहाँ बस अपना दिल और होश ढूंढता हूँ मैं। हुसाना, मैं और तेरी बंदगी।
Thank you. What is your name? My. Everybody wanna know I feel like I really wanna be here with you. It's not enough to say that we are made for each other. It's not that it's Hosanna true. Hosanna, if you take a step in me, I'm calling out to you. My name, Akshay. How sweet. उड़ती हुई तितली की रंगीन परछाई रह जाती है फूलों में, वैसे ही तुम एक तस्वीर के जैसे छाए हो इन आँखों में। होसाना हेलो 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 होसाना अकू या हैप्पी फ्रेंडशिप डे। भाई ऐसा दिन दोबारा कब आएगा? आएगा ना रक्षाबंधन पे। ब्यूटीफुल गाइस, जोरदार ताली हो जाए। व्हाट अ परफॉर्मेंस, शुभने लाइन अक्षय के लिए जोरदार ताली हो जाए। यस 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 कुछ मोमेंट्स इतने प्यारे थे। वो एक मोमेंट था जहाँ पे शुभ तुम्हारे पीछे खड़ा है एंड ही जस्ट चकराया। ऐसा चकराया कि अब ये न जानू के जाऊं तो जाऊं। वेरी ब्यूटीफुली डन मैम। वो फोन हेलो वाला मोमेंट इज माय मोस्ट फेवरेट। चुम्मेश्वरी मैं एक्चुअली अक्षय को बचपन से जानती हूँ, तो जब वो परफॉर्म करता था डांसिंग उतना ही कड़क करता था, लेकिन देयर वाज अ रॉनेस एंड एन इनोसेंस इन हिम। एंड आई थिंक वो बड़े होते होते जो उसके हालात हुए हैं, आई थिंक समवेयर वो डिसअपीयर हो गया। आज बहुत दिनों के बाद ना अक्षय, आई वांट टू टेल यू योर इनोसेंस इज बैक। वो बचपन आज दिखा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अक्षय हर हफ्ते वन लेवल अप, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू, वेल डन। थैंक यू सो मच। ये फनी परफॉर्मेंस था, क्योंकि ये तूफान बड़ा क्यूट तूफान था। वो जो फोटोग्राफ में अक्षय जिसको मैंने नहीं पहचाना, वो आज मुझे आपने स्टेज पे दिखाया, क्योंकि इतना प्यारा था। It was beautiful. It was really fantastic, magical, magical. And it was Chumbeshwari also. The point ये है कि कहीं पे as artist अगर हम अपना innocence उसमें बरकरार रख सके, तो वो as an artist हमारी जीत है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर का बच्चा जिंदा है, as an artist हम जिंदा है। क्या बात कही। वैसे ये जो सरकारी विद्यालय और इंटरनेशनल स्कूल का जो स्टोरी था, ये काफ़ी मिलता जुलता है एक लेवल पे, बिकॉज बचपन में आई वेंट टू ऑल बॉयज़ स्कूल फ्रॉम केजी टू टेंथ, और हमारे एक बाजू में एक गर्ल्स स्कूल थी। सो यू नो आफ्टर अ सर्टन एज एंड स्टेज वो हो जाता है, वी वर ऑल टेकिंग आर टाइज आउट एंड स्टैंडिंग, हम लोग बाहर यू नो गेट के बाहर हाँ। हमारा स्कूल ख़त्म होता था 1:05 और उनका 1:10, खाली वो बेल रिंग होके सीढ़ी चढ़ते चढ़ते टाई निकाल के जेब में खड़े। टाई निकालने का फंडा क्या था? बिकॉज़ यू डोंट वांट टू लुक लाइक अ स्कूल बॉय, यू वांट टू लुक लाइक अ कॉलेज बॉय, नो, एंड वी हैव स्कूल यूनिफॉर्म। सो इट इज दैट शर्ट ओपन करके ऐसा खड़ा रहना। सो आई फेल्ट इट वाज वेरी सिमिलर। बहुत सारी यादें आपने ताजा कर दी। अरे इतनी डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, हमारे पास तो प्रूफ भी है। ये देखिए इनकी बचपन की फोटो।
बोन स्ट्रक्चर माय गॉड यार मुझे बहुत फनी लगता हूँ मैं मेरे होंठ कितने बड़े लग रहे हैं यार और वो डैडी वाली टाई ये मेरा टीनेज टेरेंस है फैंटास्टिक थैंक यू सो मच अक्षय थैंक यू सो मच शुक्रिया एक बार जोरदार ताजा हो जाए जजेस yes. बचपन का दौर स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि इस दौर में सपने देखने पे कोई रोक नहीं होती लेकिन बड़े होते ही जिम्मेदारियों की वजह से उम्र तो बढ़ने लगती है मगर आप सपनों की तरफ बढ़ना भूल जाते हैं वैसे ही सपने उम्र देख के नहीं हुनर देख के पूरे होते हैं और अपने हुनर से सपनों को पूरी करने की ऐसी ही एक कहानी मराठी सिनेमा में धूम मचा रही है जिसकी स्टार कास्ट आज हमारे साथ है सो प्लीज वेलकम स्टार कास्ट ऑफ बैपन भारी देवा वंदना गुप्ते सुचित्रा बांडेकर शिल्पा नवलकर दीपा परब एंड सुपरहिट फिल्मों के डायरेक्टर केदार शिंदे जोरदार ताले हो जाए इंडियाज बेस्ट डांसर में आपका बहुत 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 स्वागत है मैं आपको बता दूं मराठी सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यू नो इनकी फिल्म अब तक 80 करोड़ से भी ज्यादा बिजनेस कर चुकी है सो इट्स अ बिग बिग रिकॉर्ड इन मराठी फिल्म्स एक तो हम लोग फैन हैं मैं रेगुलर देखता हूं अरे वाह एंड ये कमाल है सब लोग कि ये बचपन स्पेशल है और हमारी फिल्म में 6 बहनें हैं और जो जैसे जैसे वो बड़ी होती है तो थोड़ी ड्रिफ्ट होने लगती है जो बॉन्डिंग होती है थोड़ी कम होने लगती है एंड कोइंसिडेंटली ऐसे होता है फिल्म में कि ये जो सिस्टर्स है जो अब साथ नहीं है वो साथ आती है तो उसके लिए जो रीज़न है वो है डांस यस यहाँ पर आप किसे देखने के लिए सबसे एक्साइटेड हैं मेरा फेवरेट शिवम है मेरा भी शिवम 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 तू मला खूप आवडतोस हां तुझा आपण पोह्याचा कार्यक्रम करूया थैंक यू गॉड मला मुलगी नाहीये पण मी आहे हां हमारे लिंगो में जैसे कहते हैं कि दे आर इंडियाज भारी डांसर्स So all the best to all of you. चलिए फिर प्लीज आप सब वहां पर जाके बैठ जाए ताकि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ा सके और आपको अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस दिखा सके प्लीज टेक योर सीट्स थैंक यू सो मच मैम जजेस एक और फोटो को गेस करने के लिए तैयार है कि वो कौन है यस फोटो को देखिए और बताइए कि ये कौन है ओ माय गॉड ये ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स हाँ ये एक इंसान है ये तीन नहीं नहीं ये एक ही इंसान है जो भी है इतनी सुंदर है सुशील है और गोलू मोलू क्लू दो ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग में सभी बच्चों की माँ बन के चली जाती थी मुझे पता है ये कौन है यहाँ तक कि पूरा स्कूल इनसे परेशान था क्योंकि ये बाकी दिन स्कूल नहीं जाती थी कहती थी मैं सिर्फ सैटरडे संडे ही आऊंगी वो भी रात 8 बजे ऐसे नखरे वाली इंसान को मैं जानता हूं कौन है वो किधर है वो इधर है That's a tomboy. Look at the girl, especially the last picture. I got it. That's Geeta. I look like a boy in that picture. But I don't know why. मेरे बचपन के सारी तस्वीरें ना मैं लड़का ज़्यादा और लड़की कम लगती हूँ. But you look best with like a girl, like how you're sitting there, you're sweet, with smile, बहुत cute है. एक और फोटो दिखाता हूँ. ये बहुत क्यूट है बताइए कौन है ये बहुत सुंदर भी है यू नो इसके हाथ में एक डॉल है वो ड्रेस बहुत प्रिटी बहुत क्लासी है सुनाली ये कौन है बॉर्न टू बी अ मॉडल टाइप चाइल्ड क्लू दो यार कुछ तो क्लू दो इन्हें गोल्ड बहुत पसंद है सोना
और तूफानों से खेलती है। बहुत क्लासी तरीके से ऐसे ना। हमारी क्लासी जज मिस सोनाली बेंद्रे। ये तूफानी। How old would you think you were? No clue. एक ही है ये फोटो, एक ही एट द मोस्ट एक और होगा, बाकी कोई फोटोज भी नहीं है मेरे बचपन की। सेम लाइक मी। ये जो फोटो है ये एक बहुत डिसेप्टिव है क्योंकि मुझे फ्रॉक्स पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था। आई वॉज अ टॉम बॉय टू द कोर। तो आप ये बोल रही हैं कि आप बहुत शरारती भी थी, टॉम बॉयश भी थी। अच्छा, आपको कभी डांट पिटी है क्योंकि आपने कुछ तोड़ दिया हो घर में शरारत करते करते? या रोज मुझे ही डांट पड़ती थी। हम तीन बहने हैं लेकिन ओनली आई यूज टू गेट इट ऑल। मुझे सिर्फ कुछ मत करो, यू हैव टू से नो एंड देन आई हैड टू डू इट। माय मदर वुड डू रिवर्स साइकोलॉजी व्हेन शी वांटेड मी टू डू समथिंग। शी वुड से हे करो नको सा आज इथे, आई हैड टू गो एंड डू इट एंड दैट्स व्हाट शी वांटेड। इस बार हम बचपन स्पेशल सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, तो इस हफ्ते ना बहुत खुशी का माहौल रहा। मतलब मेरे इन दोस्तों ने, मतलब विपुल भैया, हंसवी दीदी, अनिकेत भैया और समर्पण, इन लोगों ने मिले ना बहुत एक स्पेशल सरप्राइज प्लान कर रखा था। मेरे को बीच पे ले गए। मेरे को पानी में भिगा दिया, मेरे अपने पीठ पे उठा के मेरे को पूरा बीच घुमाया। ऐसी ऐसी हरकतें करी कि जैसे कोई बच्चा ही करता है सच में, 4-5 साल के बच्चे जो होते हैं। फिर उसके बाद हम मॉल गए। मॉल में ऐसी ऐसी राइड्स मैंने झूली जो शायद मैंने कभी झूली नहीं थी। रोलर कोस्टर राइड जिसमें सबको डर लगता है पर सब मिलने गए। कार वाली गेम खेली, सबको इधर से उधर ठोक रहे थे। मैंने जो अपना 10-12 साल का जो बचपन नहीं जिया ना, इन्होंने मेरे को एक दिन में वो बचपन जिया दिया। अंजलि ने एक सरप्राइज भी रखा है हम सब के लिए। अच्छा, हम एक्चुअली सुपर डांसर के बहुत सीजन कर चुके हैं। आईबीडी के 2 सीजन इससे पहले भी कर चुकी हूँ, ये 3रा सीजन है मेरा। आई हैव टू से जो प्यार बॉन्डिंग और एक कनेक्शन है ना बच्चों के बीच में, वेदर इट्स कंटेस्टेंट्स और कोरियोग्राफर्स, ये पिछले कोई भी सीजन में मैंने आज तक नहीं देखा है। क्या बात है, क्या बात है। क्या लेके आया अंजलि? इन्होंने मेरे लिए इतना अच्छा सरप्राइज प्लान करा था, तो मैंने लाइफ में कभी मतलब पार्टी नहीं मनाई, कभी पार्टी सेलिब्रेट भी नहीं करी ना, तो मैंने सोचा कि इनको समोसे केक वगैरह ये छोटी सी पार्टी दी जाए। तो टूट पड़ो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.